साथियों नमस्कार, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रणाली जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लगातार हम 3 एपिसोड्स में और ये 4th एपिसोड आपके सामने है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा। 21वीं सदी की चिकित्सा प्रणाली है एक्यूप्रेशर, यह जन जन तक और घर घर तक पहुंचे ऐसी हमारी इच्छा है। साथियों, एक्यूप्रेशर को हमने ऊर्जा के सिद्धांत पे आधारित बताया था। एक्यूप्रेशर, एक्यू और प्रेशर दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर के सूक्ष्म बिंदुओं पर दबाव देना। जी हाँ, शरीर के सूक्ष्म बिंदु, चाहे वो हाथ की हथेली में हो या पैर की तलवा या कान हो या फिर चेहरा, कहीं पर भी हो या संपूर्ण शरीर के बिंदुओं पर भी हम दबाव देकर के उपचार कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर दाब के सिद्धांत पे है और इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। इस कड़ी में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं एक्यूप्रेशर में सादृश्यता के बारे में। सादृश्यता का जो सिद्धांत है, जिसे हम लोग कोरोस्पोंडेंस थ्योरी कहते हैं, उसके प्रथम कड़ी में यानी प्रकृति के बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, फल, फ्रूट्स और यहां तक कि हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी चर्चा किया था। साथियों, इस कड़ी में हम लोग अपने हाथ की हथेली और पैर के तलवे के सादृश्य में कोरस्पोंडेंस अर्थात उसके परिपेक्ष में हम लोग देखेंगे कि शरीर में किस प्रकार से हमारा पूरी बॉडी मैच करती है हमें हाथ की हथेली से। यूं कह सकते हैं पूरी कॉस्मस ब्रह्मांड की इकाई है ह्यूमन बॉडी। पूरी संसार, यदि हम कहते हैं, कहावत है, आप सुने होंगे हमारे शास्त्रों में, योग के ग्रंथों में कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस शरीर के अंदर में है वही पूरे विश्व ब्रह्मांड में है और जो पूरा ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के अंदर में है। इसका मतलब जब पूरी ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स का जो यूनिट इकाई हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो निश्चित तौर से हमारी ह्यूमन बॉडी का यूनिट, वैसे साइंस में तो सेल कहते हैं, लेकिन हम बॉडी ऑर्गन के अकॉर्डिंग, बॉडी पार्ट अकॉर्डिंग देखें तो पूरी ह्यूमन बॉडी का यूनिट हमारी हाथ की हथेली और पैर के तलवे में है। कहने का मतलब है ये हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन हमारी हाथ की हथेली और पैर के तलवे है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, अगर मच्छर काटे तो क्या करते हैं, आँख खोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपके हाथ उठता है और वो मच्छर को भगा देता है या मारता है, और पैर को काटे तो पैर भी उठता है, उसको भी भगा देता है। इसका मतलब हमारा ब्रेन का एक्सटेंशन कहीं ना कहीं हाथ की उंगलियों में, इस अंगूठे में कहीं ना कहीं है, हमें इतना सोचना पड़ेगा। तो इस एक्सटेंशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अगर मालिश्य में सादृश्य है, तुलना हमने किया था, हमने कहा था किसी की आकृति किसी प्राणी से मैच करता है तो उसके व्यवहार उसके जीवन में दिखता है, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी उसके जीवन में दिखता है। तो क्या हमारे शरीर से भी हाथ की हथेली मैच करता है तो क्या हमारी बॉडी में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया क्या इस हाथ की हथेली में भी संभव है? इसको दबा करके, इसको प्रेशर दे करके, इसको पंचर दे करके क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? साथी, यदि हाँ तो निश्चित तौर से इस पद्धति को हमें जानना है और यही आज इस कड़ी में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरे संपूर्ण शरीर का सादृश्य हमारे हाथ की हथेली में किस प्रकार से आ रहा है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकली होने वाला है, इसलिए साथियों आज आप अपने इस एपिसोड को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा हो कि आप अपने पास पेन रखें और आप जब हम ये बता रहे हैं उस समय आप हाथ में आपको ड्रॉइंग कीजिएगा, कॉपी पे नहीं, अपने हाथों पे ड्राइंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप इसे सीख पाएंगे। तो साथियों आइए हम बिना विलंब किए हम अपने प्रैक्टिकल पक्ष में, और पूरी कोरोस्पोंडेंस आपके हाथों में पेन है और हम अपने हाथ के इस पार्ट को पहले कोरोस्पोंडेंस हम तुलना करेंगे, देन उसके बाद इसको हम डायग्राम के माध्यम से पूरे बॉडी पार्ट को अपने हाथ की हथेलियों में उतारेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस पार्ट के अगला क्रम को, सादृश्यता का सिद्धांत, और इसकी द्वितीय कड़ी में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है सुजोग एक्यूप्रेशर। जी हाँ, सुजोग एक्यूप्रेशर प्रोफेसर पार्क जी ऊ द्वारा आविष्कृत चिकित्सा पद्धति है जो पूरे विश्व लेवल पे ये मान्यता प्राप्त और प्रसिद्ध है।
साथियों, सु और जोग दो शब्द से मिलकर बना है। पूर्व में भी चर्चा हमने किया था, सु का अर्थ होता है पाम, हाथ की हथेली, और जोग का अर्थ होता है पैर का तलवा, फिट। अर्थात हाथ की हथेली और पैर के तलवे की सादृश्य बिंदुओं पर उपचार, दबाव देकर के उपचार करना सुजोग एक्यूप्रेशर कहलाता है। हमने इसके बारे में चर्चा किया था, अर्थात आपके हाथ की हथेली और पैर का तलवा का बिंदु निश्चित तौर से उपचार के लिए महत्वपूर्ण पक्ष है। कोरस्पोंडेंस थ्योरी हमने देखा था कि ये एक सिद्धांत समान आकार प्रकार के वस्तु द्रव्यों में समान प्रकार की ऊर्जा अर्थात कार्य करने की क्षमता होती है। इस समानता अर्थात सिमिलरिटी के इस सिद्धांत को हमने बड़े विस्तार से इसमें देखा था। सिमिलर स्पिरिट्स लिव इन सिमिलर शेप्स, अर्थात समानता का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांतों पर कार्य करता है। पूरी सृष्टि इसी सिद्धांतों पर क्या है, क्रियाशील है। साथियों, इसके बाद इसके पहले पूर्व के हम एपिसोड में ये चर्चा किए थे और यहाँ पे ये भी चर्चा किया थी, हाथ की हथेली और ये पैर के तलवा, इसका सादृश्य, जैसे हमने पूर्व में चर्चा किया था कि अलग अलग वस्तुओं से इसकी तुलना की, लेकिन आज हम लोग साथियों इसमें जो हाथ की हथेली है ना और पैर का तलवा है, इसमें हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी को देखने का इसमें प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप लोग यदि तैयार हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको तुलना करते हैं। जरा ध्यान से इस वीडियो को, जो आपके सामने जो स्लाइड चल रही है, इस स्लाइड को देखने का प्रयास करें। ये हमारे हाथ की हथेली है और यह है पैर का तलवा और यह है ह्यूमन बॉडी। सामने बीच में जो रखी है यह है ह्यूमन बॉडी। अब इसमें हम लोग तुलना करते हैं। हमने कहा सादृश्यता समानता क्या क्या है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को देखिए, बड़ा ध्यान से गौर से देखिए, आप चाहे तो स्लाइड में देखिए या अपने बॉडी को स्वयं भी देख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो हमारा बीच का भाग है, बॉडी वाला भाग कह सकते हैं, बीच का पार्ट है जिसको हम लोग धड़ कहते हैं, और ये बीच वाला पार्ट है, इससे बाहर जो निकलने वाले एक्सटेंशन कितना है पहले देख लीजिए आप। बहुत सामान्य सी बात है, दो पैर हैं और दो हाथ, ये फोर एक्सटेंशन है और एक फाइव नंबर का एक्सटेंशन ऊपर की तरफ है जो कि हमारा ये मस्तिष्क है। कुल मिला के फाइव एक्सटेंशन है। जी हाँ, ये फाइव एक्सटेंशन जरा हाथ में देखें आप, हाथ का ये प्लेन वाला भाग है, ये हमारा प्लेन वाला भाग क्या है, ये तो एक तरह से कह सकते हैं हमारा बॉडी का पार्ट है, प्लेन वाला भाग है, और इससे निकलने वाली एक्सटेंशन कितनी है देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 फिंगर्स है हमारे पास है। और सेम पैर में भी देखिए, पैर में भी 5 ये प्रोजेक्शन है। ये बॉडी से निकलने वाले 5 ऐसे भाग है जैसे हमारे शरीर से 5 भाग बाहर निकलता है, एक समानता। दूसरी समानता क्या हो सकती है इसमें, इसके कलर को देखिए, बॉडी के फ्रंट वाला भाग और बैक वाला भाग, इसी को सामने वाले भाग को इन कहते हैं, YIN, और बैक वाले भाग को यांग कहते हैं, अर्थात सामने वाला फ्रंट भाग लाइट कलर में है और पीछे वाले डार्क है। साथियों, आप अपने हाथ को जरा देखिए, सामने का जो हथेली वाला पार्ट है, फ्रंट वाला भाग, अर्थात ये वाले भाग जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये लाइट में है, उसके जस्ट पलटा कर देखिए बैक वाला भाग, ये डार्क में है, अर्थात सामने वाले भाग को हम इन कहते हैं और पीछे वाले भाग को यांग कहते हैं। मित्रों, इसके बारे में हम पूरे एक एपिसोड तैयार करेंगे इन यांग थ्योरी के बारे में। अभी इतना समझ लीजिए कि सामने फ्रंट वाला भाग जहाँ पे लाइट, ओपन वाला भाग जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अंदर का भाग जो लाइटनेस है, ये हमारा क्या है, इन है, और बैक वाला भाग को हम लोग यांग समझ सकते हैं। ये दूसरा नंबर क्या है आपका, ये सादृश्यता। नंबर तीसरा जरा देखिए साथियों, आप अपने हाथ और हाथ का जरा मूवमेंट देखे, देखिए कितना फोल्ड है आपके हाथों में। अगर ये हथेली की उंगलियों को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के हाथ की कलाई से लेकर के ऊपर कंधे तक कितने जॉइंट्स हैं, जरा देखिए आप। यस, आप सही देख रहे हैं, आपके सबसे नंबर वन कलाई फर्स्ट ज्वाइंट है, ये एल्बो आपके किहनी वाला दूसरी ज्वाइंट है, और नंबर तीसरे नंबर ज्वाइंट ये शोल्डर ज्वाइंट है, मतलब 3 ज्वाइंट्स है। अब अपने हाथ की उंगलियों को देखें आप, अपने छोटी उंगली को पहले देख लीजिए, कितने ज्वाइंट है इसमें, देखो नीचे वाले ज्वाइंट 1, बीच वाले ज्वाइंट 2, और ऊपर का ज्वाइंट जो है ये है आपका 3, तीसरा नंबर है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 ज्वाइंट यहाँ पे है, और वैसे ही 3 ज्वाइंट देखिए यहाँ पे हाथों में 3 ज्वाइंट है,
ये नेक्स्ट नंबर का आपका सादृश्यता है। अच्छा पैर को देख लेते हैं, पैर में कितने ज्वाइंट हैं? देखिए पैर में देखिए एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और कौन सा हीप ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट है। क्या आपकी भी पैर में ये तीन ज्वाइंट है? ज्यादा तो नहीं है जी, ठीक है। ये नीचे वाले ज्वाइंट आपका जो है ये एंकल ज्वाइंट है, इसमें भी तीन ज्वाइंट। अच्छा बीच वाले अंगुलियों को देख लीजिए जरा, इसमें भी तीन ज्वाइंट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऊपर से काउंट कीजिए, नीचे से काउंट कीजिए, ऐसे अगर नीचे से हम काउंट करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे हम जरूर आपको, लेकिन अभी तो केवल ज्वाइंट हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब हाथ के पैर में तीन तीन ज्वाइंट है और वैसे ही सारे इन उंगलियों में भी तीन तीन ज्वाइंट है। महत्वपूर्ण सादृश्यता, देखिए 100% मैच कर रहा है। मैंने कहा था कि समान आकार प्रकार के वस्तु में यदि समानता होती है तो एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। अगर एक चीज और देखिए साथियों, नेक्स्ट समानता देखिए, आप अपने उंगलियों को सामने की ओर फोल्ड कीजिए, पूरे पूरे आप मुट्ठी बांध सकते हैं, पूरे इस उंगलियों को आगे झुकाइए, मुट्ठी बांध लीजिए, और लेकिन पीछे तरफ आप जाइए तो पीछे कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, थोड़ी सी पीछे की ओर मोड़ सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा नहीं मोड़ सकते। तो पीछे की तरफ जो हमारा ज्वाइंट है, पीछे तरफ जो हमारा मूवमेंट है वो कुछ कम ही मात्रा में होती है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये दूसरी समानता, आप बॉडी को देखिए, बॉडी कितना झुका सकते हैं, बहुत झुका सकते हैं, बिल्कुल सामने अपने सर को आप घुटने में लगा सकते हैं, लेकिन पीछे जाने को बोले तो थोड़ी सी आप पीछे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट समानता है, कितना मैच करता है। अगला और सादृश्य देखा जाए, हाथों में जो कलर जो देखिए, इन और यांग, एक लाइट वाला पार्ट फ्रंट पार्ट है, पीछे बैक पार्ट हमारा कौन सा डार्क पार्ट है। इन दोनों पार्ट को देखेंगे यदि आप, तो निश्चित तौर से मानिए कि हम जिधर मोड़ते हैं वो इन साइड ही मोड़ते हैं, मतलब जो लाइट वाला पार्ट है ना हम इसी पार्ट को ही मैच करते हैं। बैक वाले पार्ट पे मैच, बैक वाले पार्ट देखिए तो थोड़ा ही मुड़ता है, अगर आपका हाथ मुड़े तो देखिए, देखिए जरा मोड़ के देखिए, नहीं मुड़ रहा है ना, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। पैर में भी वैसा ही है, अर्थात इन जो लाइट वाला भाग है उधर ही पैर मूवमेंट कर रहा है, जैसे हाथ में लाइट वाले भाग की तरफ आगे मूवमेंट कर पा रहे हैं वैसे वो हाथ का पैर भी उसी तरह मूवमेंट कर रहा है। मित्रों कितनी सादृश्यता, समानता कह दें इसी को, इसी को कोरेस्पोंडेंस कहा जाता है। तो ये आपकी सादृश्यता बिल्कुल समानता है, और इस समानता अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल हाथ के सादृश्य है। लेकिन हम एक चीज और देख लीजिए, हाथ और पैर तो हो गया, आप अपने जरा गर्दन में देखिए, आपकी गर्दन में साथियों ये गले वाला भाग है, यहां जरा देख लीजिए, फोटोग्राफ्स में कर्सर घुमा रहा हूं मैं, इसमें कितने ज्वाइंट है बताइए। हाँ हाँ मूवमेंट कीजिए आप अपने गले में, गर्दन को जरा घुमाइए, ऊपर नीचे कीजिए, कितने ज्वाइंट है? एक ज्वाइंट? नहीं नहीं और ध्यान से देखिए आप, कुछ लोग तो सात कह रहे हैं, सेवन, क्यों? सेवन वर्टिब्रा, इसलिए सर्वाइकल में सात हड्डी होती है, इसलिए आप उसको भूल जाइए आप, अकॉर्डिंग टू साइंस तो है सेवन है ज्वाइंट, लेकिन सेवन ज्वाइंट पूरा मूवमेंट नहीं करता, वो वक्त पे करता है, लेकिन ज्यादा मूवमेंट हमारे बॉडी में कहाँ है उसको ध्यान से देखिए। साथियों हमारे गर्दन में दो ज्वाइंट महत्वपूर्ण मान सकते हैं, सबसे फर्स्ट ऊपर का ज्वाइंट देखिए, ऊपर नीचे हिलाकर देखिए, यस ठुड्डी को ऊपर नीचे कीजिए, ये ठुड्डी वाला भाग यहाँ से कान के नीचे से लेकर के ये वाला भाग फर्स्ट, सेकेंड नीचे से यहाँ से कर सकते हैं, जो हमारा ये जो कॉलर बोन है ना, कॉलर बोन के जस्ट ऊपर से आप जैसे कोई कथक नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी करते हैं तो गर्दन को ऐसे से हिलाते हैं ना, तो ये यहां से मूवमेंट करता है, टू ज्वाइंट्स। इसका मतलब साथियों आप अपने अंगूठे को जरा ध्यान से देखिए, अंगूठे में कितने ज्वाइंट है, जरा आप अपना हाथ उठाइए और उठाकर जरा अंगूठे को जरा मूवमेंट करके देखिए, हाँ हाँ उठाइए आप, उठाकर देखिए कितना है, फर्स्ट ऊपर देखिए वन और सेकेंड में टू, टू ज्वाइंट्स है। उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट देखे आप लोगों ने, लेकिन अंगूठे में टू ज्वाइंट्स। इसका मतलब अंगूठा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है आपका, रिप्रेजेंट करने वाला आपका हेड का है। और एक चीज और देखिए ना, जैसे हाथ में अंगूठे की जितनी वैल्यू है, अगर अंगूठा ना रहे तो खाना कैसे खाएंगे, लिखेंगे कैसे, बहुत सारी दिक्कतें होती है, वैसे ही आपकी पूरी बॉडी में अगर ऊपर का गर्दन ना रहे तो मुश्किल सा है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं को हमें देखना पड़ेगा, दोनों की समानता 100%। यदि आप कहेंगे सर ये बताइए
क्या जैसा ये हमारा गर्दन जो कार्य कर सकता है, वैसे ही आपका ये हाथ का अंगूठा काम कर सकता है? मैं कहूंगा यस। आप बैठे हैं, मेरे विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं। अगर इसमें से कोई कहे सर मे गो आउट, अगर वो यूरिन के लिए जाना चाहते हैं और अपने छोटी उंगली उठाकर कहता है सर मे गो आउट, अगर मैं चाहता हूं कि अपने गर्दन वाले भाग को ना घुमाऊं, केवल हाथ से इशारा कर दूं, तो वो छोटी उंगली तो उठा नहीं सकता, उसके बगल वाला भी नहीं उठा सकता, उसके थर्ड फोर्थ नहीं उठा सकता, फोर्थ नंबर उठाया तो इंडेक्स फिंगर तो बहुत खतरनाक है। लेकिन अंगूठा को ऐसे कर दिया, डन कर दिया, तो सामने वाले विद्यार्थी समझ जाता है कि हाँ सर कह रहे हैं कि आप चाहिए। लेकिन इसी अंगूठे को सामने रखकर अगर आगे पीछे ऐसे हिला दिया जाए तो वो समझता है कि ना। बड़ा ध्यान से देखिए मित्रों कि हमारा अंगूठा जो है पूरे ब्रेन का कार्य कर रहा है। तो ये सादृश्य है, कोरोस्पोंडेंस है, समानता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी यूनिट के रूप में कार्य कर रहा है। आपके हथेली एक बॉडी पार्ट के रूप में एक यूनिट है, इकाई है। तो पूरे ब्रेन का वर्क आपके हाथ की हथेली में, तभी तो कहा जाता है ना आपके हाथ अपने हथेली को देखिए, इसमें किस्मत है, भाग्य है, तकदीर है, सब कुछ इसमें होता है। इसकी रेखाओं को लोग ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करके पूरे भूत भविष्य वर्तमान की क्या बातें करते हैं। खैर हम इन रेखाओं के बारे में नहीं मित्रों, लेकिन आपकी स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है, ये मैं कह सकता हूं। आपके पूरे के पूरे स्वास्थ्य का रहस्य आपकी इन्हीं मुट्ठियों पे समाया हुआ है। आइए अगले क्रम में हम लोग जरा देखते हैं। अब हम एक एक करके एक एक क्रम एक एक कड़ी देखते हैं। हम पहले सिर वाले भाग को देखते हैं। अगर सिर वाले भाग को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हाथ को आप ऐसे रख लीजिए, क्योंकि थंब को देखना चाहते हैं हम लोग ना। यदि आपकी ये थंब वाला भाग, फ्रंट वाला भाग को देखिए, ये इनसाइड है, और हाथ को आपको ऐसे ही रखना है। आप भी रखिए ना प्लीज। आप ऐसे रखेंगे तो ऐसे रखने के बाद देखिए, हमने कहा कि ये ऊपर का ज्वाइंट जो है, फर्स्ट ज्वाइंट जो है, आपके गले के नीचे नेक का ऊपर वाला फर्स्ट ज्वाइंट है, और नीचे वाला जो ज्वाइंट जो है जहां से मूवमेंट कर रहा है उस वाले भाग को, ये बीच के बीच वाला छोटी लाइन को मत देखिएगा, नीचे वाला लाइन जहां से अंगूठा सेकेंड नंबर मूवमेंट कर रहा है, ये सेकेंड ज्वाइंट है। आप एक काम कर लीजिए, ऊपर वाला ज्वाइंट है तो हमारा फेस वाला भाग निश्चित तौर से ये ऊपर का भाग होगा। तो एक काम कर लीजिए साथियों, आप जो बैठे हैं ना और आप मुझे देख पा रहे हैं, आप एक काम कर लीजिए, आप अपने चेहरे में पहले एक बार हाथ फेरिए। जी हाँ, फेर के देखिए तो सही। आप सबसे उभरा वाला भाग कौन सा है? जी सबसे उभरा वाला भाग कौन सा है? जी चश्मा लगाए हो तो चश्मा निकाल दीजिए, आप फिर घुमा कर देखिए। जी नोज, यस आपका नाक है, स्वाभाविक है, नाक वाला भाग, गाल वाला भाग तो उभर नहीं सकता, ना ही ठुड्डी ना ही माथा, किसी का हो तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन नोज वाला भाग हमारा सबसे उभरा भाग है। तो साथियों आपका नोज उभरा है, तो नोज है कहां पे? चेहरे के बीच में है। तो ये मैंने कहा था ये चेहरा वाला भाग है, जिसके सेंटर वाले भाग को देखिए क्या उभरा हुआ है क्या? यस यस देखिए सही आप, यस उभरा हुआ है। तो साथियों ये आपका नोज वाला भाग है, ये सेंटर में जो चक्र बना है ना, यहाँ चक्र पद्म और बहुत सारे चीज होते हैं, आपके भी होंगे निश्चित तौर से, तो यहाँ पे जो है ये आपका नोज वाला भाग है। अब मित्रों कहा गया जिसके केंद्र अगर मिल गया तो उसकी परिधि, परिधि मतलब किनारे को ढूंढा जा सकता है, क्योंकि नाक के नीचे तो मुंह होगा, माउथ, यहाँ पे नोज के जस्ट नीचे माउथ, और नोज के थोड़ा सा बगल में टू आईज एंड बगल में टू ईयर है। इसका मतलब हमारे पूरे पूरे फेस वाला भाग यहाँ पे है। जी हाँ आप देखिए, यही तो मैं कह रहा था, देखिए नोज वाला भाग सेंटर में, नीचे माउथ है, और बगल में टू आईज एंड टू ईयर। जी हाँ आप बनाइए हाथ में इसको, आप पेन लीजिए और इसके आउट डायग्राम बनाइए, आप जब बनाएंगे तभी सीखेंगे, और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। जी हाँ पहले नोज बना लीजिए, देन माउथ बनाइए, और टू आईज टू ईयर। जी हाँ वीडियो को रोक लीजिए आप, और रोक करके इस फोटोग्राफ को पहले बनाइए। यदि आप सीखना चाहते हैं रियल में, तो प्लीज आप इसको, आप इस स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। और ये जो कोरोस्पोंडेंस जो आप देख पा रहा है, नाक का, आंख का, माउथ का, ये सारे चीज, ये निश्चित तौर हूबहू है।
मैं प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। यदि नाक में कोई, नोज में कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास पेन है ना, सिंपल सामान्य से पेन उठाइए उस किनारे और भाग से। अगर नाक में सर्दी जुकाम साइनस की प्रॉब्लम है तो इस वाले भाग के अंगूठे को आप जरा दबाइए तो सही, किनारे से कोने से दबा कर देखिए, आपको दर्द होगा। आप कहेंगे साहब दर्द तो सब जगह होगा दबाओगे तो, लेकिन एक बार यहाँ दबाइए, एक बार गाल को दबा कर देखिए, यहाँ पे जितना पेन यहाँ पे आगा होगा यहाँ कम होगा यहाँ पे। और एक चीज और साथियों ध्यान रखिए, जब यहाँ पे दबाव देंगे आप ना इस वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे छोटी छोटी गांठें होती है जिसे एक्यूप्रेशर की भाषा में कहते हैं पेन बॉल, दर्द की गांठें। मित्रों ये गांठें नहीं बल्कि ये मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन यही अवेलेबल है। इस मेडिसिन को जैसे प्रेस करते हैं तो यहां से हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और आप नोज संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्योंकि साथियों मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बता रहा हूं, इसलिए बेसिक चीज तो कम से कम इतना सीखते चले जाइए, बाकी इसका बहुत सारे जड़ जो है नोज का प्रॉब्लम केवल नोज की प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहीं और समाहित होती है। तो सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि ये नोज है तो नोज में, यदि आईज में प्रॉब्लम है, आंख में कम दिखाई पड़ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, दर्द वगैरह हो रहा है, तो प्लीज इस आईज वाले पॉइंट को आप प्रेस कीजिए ना। आंख में दर्द है तो इन जगह दोनों जगह में ब्लैक कलर लगा दीजिए, मैं कलर थेरेपी के बारे में चर्चा करूंगा बाद में। अगर माउथ में प्रॉब्लम है तो टीथ में है तो टीथ आपके यहां से लेकर के यहां तक है, माउथ तो छोटा एरिया है लेकिन पूरे एरिया यहां से यहां तक है। एक चीज आप कह रहे हैं सब राइट और लेफ्ट कैसे, इसमें देखें हम दायां और बायां के जहां तक बात है, राइट और लेफ्ट की बात है, साथियों बिल्कुल आप हाथ को सामने फ्रंट रखिए, जैसे मैं रखा हूं ना, अगर मैं यहां बैठा हूं मेरे चेहरे के सामने हाथ के और हथेली के जो लाइट वाला भाग है फ्रंट आगे की ओर होगा और आपके चेहरे की तरफ होगा आपका उसका डार्क वाला भाग, तो राइट के साइड राइट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर यदि देख रहे हैं तो ये वाला भाग राइट है और ये लेफ्ट है, क्योंकि मेरा चेहरा वाला भाग पीछे होगा। ये अगर मेरा आपका राइट हैंड है तो राइट हैंड का राइट हैंड क्या होगा, राइट साइड होगा इस तरफ। अगर सेंटर से दो भागों में यहां से डिवाइड कर दें तो ये राइट वाला पार्ट है और ये वाला भाग जो आपका लेफ्ट वाला भाग है। तो राइट और लेफ्ट में मेरे ख्याल से आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी को प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं। अगर दाएं हाथ में एक बार बड़ ध्यान समझिएगा, अगर राइट हैंड में राइट साइड उपचार किया जाए, राइट हैंड में अगर मान ले कीजिए राइट हैंड आपने लिया, जैसे मैंने ये राइट हैंड आपके लिए लिए देख रखा है, और अगर मान ले राइट आईज में प्रॉब्लम है, आंख में दाएं आंख में प्रॉब्लम है, तो ये राइट दायां हाथ के ही अगर दाएं तरफ अगर उपचार करते हैं, इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस, यदि क्विकली और फास्ट काम करता है। लेकिन यदि बाएं हाथ की बाएं आंख में प्रॉब्लम है और दाएं हाथ के बाएं तरफ ट्रीटमेंट दे रहे हैं यहां पर, ये होगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी कब होगा, हम बाएं हाथ में ही बाएं तरफ बाएं आंख का ट्रीटमेंट दें, इसे हम कहेंगे प्राइमरी। कहने का मतलब शरीर के जो जिस भाग में जो बॉडी ऑर्गन्स है उसी के अनुसार हम उपचार सेम बॉडी पार्ट पे दिया जाए, सेम साइड में दिया जाए, उसे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी। जैसे अगर दायां कान है, दायां कान में किसी को प्रॉब्लम है तो दायां हाथ लेना पड़ेगा, यदि बाएं हाथ लेंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। अच्छा दोनों में फर्क क्या होगा, फर्क सिंपल बहुत छोटा सा होता है, इसमें क्विकली काम करेगा उसमें थोड़ा सा 10% कम काम करेगा, फर्क इतना ही है बस। आप लेफ्ट हैंड में भी दे सकते हैं और राइट हैंड दोनों हैंड में उपचार कर सकते हैं। साथियों मुझे उम्मीद है कि आप बना चुके हैं, जी हाँ, लेकिन आप जो अपने हाथ बनाए ना वो आपका ही फोटोग्राफ है, पड़ोसी का नहीं है, इसलिए अच्छे से बनाइए, जी हाँ। तो आप इसमें कान को भी किनारे प्रेशर दीजिएगा, ऐसे कान उभरा हुआ बाहर तो नहीं होगा, चिपका हुआ बनाइएगा आपके हाथ में और पूरे बॉर्डर लाइन पे बनाइएगा, जहां पे लाइट और डार्क वाला भाग मैच कर रहा है ना नाखून के किनारे में, वहीं पे कान रहे, कान को आगे तरफ मत बनाइएगा, कान को अपने जरा अपने अपने बॉडी में देख लीजिए, कान ना तो आगे है ना पीछे है, पीछे ब्लैक है सामने व्हाइट है, दोनों के बीच वाले पार्ट पे क्या है, ये आपका कान है, इस वाले पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस आपने गले वाले भाग फ्रंट वाले भाग ऊपर वाले पार्ट को हमने देखा है, अब सेकंड वाले पार्ट को साथियों इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए हेड एंड नेक दोनों वाले पार्ट में गले वाले भाग देखते हैं हम, ये हमारा वोकल कॉर्ड, हमारी आहार नाल, हमारी जो है स्वर यंत्र, लैरिंग्स,
ये हमारे जो लैरिंग्स फैरिंग्स यहीं पे है, ये वाले पार्ट, और यही गले वाले भाग में साथियों मजेदार आप बनाइए ना, आप इस वाले भाग को जो आउटलाइन है, आप इस रंगीन वाले को देखिए बस के बनाना, आपको आउटलाइन है इस तरह से। तो आपके गले संबंधी किसी को प्रॉब्लम है तो आप प्लीज आप यहां पे उपचार देख सकते हैं। देखिए यहीं पे थायराइड और पैराथायराइड ये ग्लैंड्स भी यहीं पे है। यदि कोई व्यक्ति जबो ज्यादा मोटा है या हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं में विशेष तौर से होती है, तो भी यहां पे दबा सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस, लोगों को टॉन्सिल की बहुत सारी प्रॉब्लम, टॉन्सिल चूंकि मित्रों हमारे साथियों यहां भी होता है किनारे किनारे, जस्ट हमारी ठुड्डी होती है ना इसके नीचे होता है, फूल जाता है। अगर किसी को टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो आप यहां पे उपचार दीजिए, दबाव दीजिए ना। कैसे उपचार दें, क्या दें, क्या लगाएं, क्या न लगाएं, साथियों अगले एपिसोड हम चर्चा कर और करेंगे जब पूरे कोरेस्पोंडेंस होगा, उसके बाद उपचार का भी मैं अलग एपिसोड तैयार कर रहा हूं इसमें, जिसमें अलग अलग रोगों में कौन से और कहां और क्यों उपचार देंगे, एक एक बिंदु पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों अभी कोरेस्पोंडेंस सीखिएगा। सिंपल अगर दबाव देना चाहते हैं तो आप अपने हाँ पेन उठाइएगा, यदि हाँ आपके पास जिमी है तो जिमी से दबाव दीजिए, अन्यथा सिंपल पेन आपके पास है पेन उठा करके आप क्या किए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे यहाँ पे इस वाले पूरे एरिया पे यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट जॉइंट लेकर सेकेंड जॉइंट के बीच में आप ऊपर नीचे मूवमेंट मसाज दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन सहने लायक दबाव आप ऊपर नीचे डेली कीजिए, सुबह दोपहर शाम खाली पेट कीजिए इसको। देखना आपकी थायराइड गले संबंधी विकार, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आवाज भी इससे सुधर सकता है। जी हाँ सुधार हो सकती है आपकी आवाज में, तो आवाज को आप मधुर बनाइए, अच्छे बनाइए। यदि कोई हकलाहट है तो हकलाहट भी दूर हो जाती है। तो साथियों क्या आप बना लिए क्या इसको, जी दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बनाए आपने, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये लाइन जो हमारी होती है, ये वाला ज्वाइंट्स होती है, इस ज्वाइंट के जस्ट नीचे से लेफ्ट राइट जाएगा, क्योंकि दायां और बायां दो हमारे क्या है लंग्स है, उस लंग्स वाले एरिया पे जाएगा। तो गले संबंधी फ्रंट वाले पार्ट में कोई भी विकृति आ जाए तो बिना कुछ किए आप प्लीज यहाँ पे दबाव दीजिए, पेन से दबाव दीजिए, हाथ से दबाव दीजिए। हम लोग तो साथियों मेथी की पट्टी लगवा देते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छी चीज है मेथी की पट्टी डेली लगाइए। क्या करेंगे, मेडिकल स्टोर में पेपर टेप मिल जाता है, पेपर टेप लीजिए, उसमें मेथी के दाने जो खाने के लिए सब्जियों में डालते हैं ना, उसको बिछा दीजिए, ऊपर चिपका दीजिए, और चिपक जाए तो उसको पूरे किनारे राउंड सर्कल, सामने बस नहीं पूरे राउंड सर्कल में लगा दीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट में लगाइए सोते समय और सुबह निकाल लीजिए, इसमें अतिरिक्त समय की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। जी अब ये तो है फ्रंट वाले पार्ट का, अब जरा बेक वाले भाग को देखिए यार, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आज देखिए पूरे विश्व में 5 में से 1 व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, साथियों ये दोनों ही चीज ध्यान रख लीजिए कि हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, रहन सहन और खान पान में आई हुई विकृति की वजह से ये हो जाती है। आप इस तरह से बनाइए, देखिए ऊपर वाला ज्वाइंट से नीचे ज्वाइंट तक 7 भागों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 भागों में समान 7 भागों में बांटिए, जैसे रेल की पटरी बनाते हैं ना वैसे आप बना लीजिए। अगर बैक हेड में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ भी इसको उपचार दिया जाएगा। जी हाँ बैक हेड में तो इसका उपचार हम लोग यहाँ देंगे, और उसके बाद ये ज्वाइंट से जस्ट नीचे 1, 2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 इस तरह से ऊपर से नीचे काउंटिंग चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा। तो आप यहाँ पे इस क्रम को जरा ध्यान से बनाइए, और यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है तो ध्यान रख लीजिए आप तक यह मत लगाइए, सिराना साउथ की ओर रख के सोइए, सामने गर्दन को मत झुकाइए, ये 2-3 चीज सावधानी बरतिए, और केवल मेथी की पट्टी लगाइए जहां पे यहां से यहां तक दबाव कर देखिए कि कहां पे दर्द हो रहा है, जहां पे दर्द हो रहा है उसी एरिया पे ही मेथी की पट्टी एक राउंड सर्कल में लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है केवल आप साथी इतना साथियों इतना ही करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 1 सप्ताह के अंदर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको राहत और मुक्ति मिल सकती है। बस लाइफ स्टाइल को सीख कीजिएगा, समय पे खाइए, समय पे सोइए, और सही तरह से बैठिए, बैठने का पोस्चर गर्दन झुका कर ना रहे, मोबाइल है तो मोबाइल को सामने आई कांटेक्ट सामने से रख देखिए, नीचे रख के मत देखिए आप।
तो ये सर्वाइकल का सबसे अच्छा उपचार, और मैं बता दूं कि मेडिकल साइंस में सर्वाइकल का उपचार वैसा नहीं है जैसा हम लोग उपचार देते हैं, वहां तो केवल पेन किलर दवाई या फिर बाद में हो तो ऑपरेशन की विधा है, लेकिन यहाँ पे बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ही आप केवल मेथी के दाने और मैग्नेट और एक्यूपंचर कुछ भी हो, इन पद्धतियों को आप जो अप्लाई कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग उस परिस्थितियों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये तो हो गया सर्वाइकल। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको बात समझ आ रही है। आप बनाइए इसको, बना लिए क्या? यस, यदि बना लिए हैं तो थोड़ा सा अगला क्रम है, यदि नहीं बना पाए तो वीडियो को यहीं रोकिए और रोक करके पुनः पूछ कीजिए। अगर समझ नहीं आए तो पुनः फिर से बेक कीजिए वीडियो को और फिर से देखिए और फिर से बनाइए। जब तक आपको समझ ना आए बार बार आप इसको देखिए। मैं चाहता हूँ साथियों कि आप सब सीखिए इसको और अपने साथियों तक भेजिए इसको, सबको सिखाइए। भारत गांव में बसता है, सभी के लिए चिकित्सा पद्धति और सभी को सीखने का अधिकार है, और जो मुफ्त में चिकित्सा हो सकती है वो इतना खर्च व्यक्ति क्यों करे। आप इस पद्धति को जन जन की चिकित्सा पद्धति बनाएं। मैं चाहता हूं ये सभी तक पहुंचे और सभी लोग सीखे। मेरा उद्देश्य इसको बनाने के पीछे एक ही है, आप सब सीखिए इसे, जन जन तक पहुंचाइए, जन जन तक सिखाइए। अगले क्रम में इसको देखते हैं हम लोग, अगले फ्रंट पाए जाइए। अच्छा, मैं क्या आपको हाथ देखना सिखा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हाथ देखना सिखा रहा हूँ लेकिन आपको सुजोग के अकॉर्डिंग हाथ देखना सिखा रहा हूँ, ज्योतिष नहीं। हाँ, लेकिन इसमें से कुछ लाइन है, इस लाइन को आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। ऊपर का जो लाइन होती है ना, ये छोटी उंगली से किनारे से निकल कर इस तरफ गया हुआ है, ये हमारा हार्ट लाइन है, बीच में हमारा ब्रेन लाइन है और ये हमारा लाइफ लाइन है। जी हाँ, आपके भी है क्या? जब देखिए हाथ को। जी हाँ, नहीं है, अगर कट पीट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीन लाइन तो लगभग होता है। अगर जिनके थोड़ा बहुत छोटा है या कुछ है तो आप घबराइएगा नहीं, होता है। तो ये तीन लाइन है। अब इसमें दिखाने के पीछे मेरा था कि ये हमारा जो लाइफ लाइन है ना, ये हमारा डायफ्राम बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? डायफ्राम, जो चेस्ट के नीचे एक मध्यक्षदा बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे मध्यक्षदा। ये मध्यक्षदा जो है अर्थात डायफ्राम जो है, ये वाला भाग हमारा बनता है। देखिए अगले क्रम में हम देख रहे हैं, ये हमारा डायफ्राम है। जी हाँ, आप इसको बना लीजिए। इसके बाद स्टर्नम, जो चेस्ट के बीच में एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्टर्नम। जी, आप नोज के सीध से लेकर के नाक के सीध से लेकर के एक लाइन सीधी लंबी लाइन इस ज्वाइंट से, सेकंड ज्वाइंट से लेकर के आप नीचे तक खींचे। इसको ऐसे टेढ़े मत खींचेगा, हमेशा ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल सीधा करके इस तरह से लेकर के आप यहाँ तक निकाल लीजिए। खींच लिया आपने, बहुत सुंदर, आप दिखाइए इसको। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बनाया आपने। तो इस लाइन से आपने ये स्टर्नम को पहले खींच लीजिए। ये हमारा सेंटर, चेस्ट के बीच में एक हड्डी होती है, इस हड्डी वाले भाग जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारा बीच का भाग है, स्टर्नम है। इस स्टर्नम वाले भाग को हमने यहाँ पे बनाया। अब दूसरा क्या करेंगे साथियों, दो लंग्स हमारे पास है, देखिए आप। जी हाँ, ये देखिए लेफ्ट और राइट, देखिए एक लंग्स हमने यहाँ इधर बनाया, बिल्कुल गोलाई में। आप जगह बिल्कुल मत छोड़िएगा, ऊपर ज्वाइंट से टच करके नीचे ज्वाइंट तक, और यहाँ किनारे जो पूरा व्हाइट वाला भाग है ना, इसको कवर कीजिए और इधर की देख लीजिए। ये दो लंग्स आपके पास है। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा या आश्चर्य आप हो रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 100% काम करने वाला है आपके लिए। आप बना लिए क्या? छोटा मत बनाइएगा इसको, क्योंकि हमारे चेस्ट में कोई एरिया खाली नहीं होता, पूरे पूरे एरिया को कवर करता है लंग्स। अच्छा साथियों, इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये डायग्राम जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड का है, लेफ्ट हैंड का डायग्राम है। अब लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड को सामने रखेंगे तो ये वाला भाग राइट वाला भाग है और ये मेरा लेफ्ट वाला भाग है। आप सामान्य क्रम में अगर साइंस के कुछ जानकार है तो राइट वाला लंग्स बड़ा होता है लेफ्ट लंग्स की अपेक्षा, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट होता है ना, इसलिए लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी कोरोस्पोंडेंस वो मिल रहा है कि ये बड़ा है और ये जो लेफ्ट साइड है ये छोटा है। साथियों महत्वपूर्ण, अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस एरिया को हाथों से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने उंगलियों से या अंगूठे से थोड़ा थोड़ा दबाव देकर उपचार कर सकते हैं। लेकिन किसी सर्दी जुकाम या फिर अस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम होती है तो इस एरिया पे आप ऑरेंज कलर भर दीजिए ना, पूरे पूरे कुछ मत कीजिए,
कलर थेरेपी के बारे में मैं बाद में और बताऊंगा डिटेल से, लेकिन सिर्फ आप यदि अब उपचार सुनते समय को उपचार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑरेंज का लगाइए। सर्दी जुकाम नजला जुकाम होते हैं, आपको साइनस साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लगाइए ना, नोज की जरूर लगाइए। साथ में यहाँ पे रेड कलर या ऑरेंज कलर दोनों कलर लगा सकते हैं, साथ ही यहाँ पे ऑरेंज कलर भी लगा सकते हैं। बाकी और दांत की विधियों के बारे में अगले नेक्स्ट क्रम में हम जो चल रहा है, ये एपिसोड चल रही है, इसको हम कंटिन्यूटली आप देखते रहिए। आप बीच में स्किप जरूर मत, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके कंटिन्यूटी में जब देखेंगे तो पूरे पूरे आप ही समझ पाएंगे आप इसे। तो ये हमारा कौन सा है, ये लंग्स है, लेफ्ट और राइट दो लंग्स, टू लंग्स है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो लाइट वाला भाग है अपने तरफ अंदर की तरफ मत रख के देखिए, फ्रंट की तरफ रखिएगा, सामने की ओर। ये केवल दूसरों के लिए है, बांटने की पद्धति अपने तरफ नहीं, मेरा नहीं, ये तेरा वाली बात है, देने की पद्धति के बारे में बात कर रहा है। तो सामने रख के देखिएगा, अपने तरफ हथेली रख के देखें तो उल्टा दिखाई पड़ेगा ये। तो ये राइट वाला पार्ट एंड लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट लंग्स है एंड लेफ्ट लंग्स है, क्योंकि ये बाएं हाथ है। अगर दाएं हाथ में कहेंगे तो दाएं हाथ में भी वही होगा कि राइट साइड राइट होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट होगा। अगले क्रम में देखते हैं, इसके बाद ये हमारा जो है ये लंग्स है। लंग्स का ओरिजिनल फोटोग्राफ मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया है, दिखाने का प्रयास किया है कि इस तरह से हमारा लंग्स का एक भाग है यहाँ। साथियों अब बीच में देखिए हमारा हार्ट, ये देखिए हार्ट वाला भाग, दिल के आकार जो धड़कता है। तो हार्ट में लेफ्ट राइट साइड कम है, लेफ्ट साइड ज्यादा टर्न किया हुआ है। जी हाँ, आप बनाइए ना इसको, ऐसे बनाइए, बस इसको छोटा मत कीजिएगा। दिल छोटा करने से, और दिल छोटा किसका होता है, जो कंजूस होता है। बहुत बड़ा भी मत बनाइए इसको, जी बहुत बड़ा भी मत बनाइए, और बहुत छोटा नॉर्मल साइज बनाइए, जिस शेप में आपकी लंग्स है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको बनाइए। तो ये हमारा हार्ट, हमारी भाव संवेदना का, हमारी इमोशंस का केंद्र बिंदु है। तो मित्रों अगर कोई किसी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, बीपी संबंधी प्रॉब्लम, हल्का थोड़ा थोड़ा दबाव, ज्यादा दबाव मत दीजिएगा इस एरिया को। वैसे हार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाती है, ब्लॉकेज आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बीपी का वजह ज्यादातर ये हार्ट नहीं बल्कि आपकी थॉट्स विचार होती है, तनाव टेंशन होता है, हमें समझना पड़ेगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे डिजीज वाइज, अभी इतना बना लीजिए, इस कोरस्पोंडेंस को बना लीजिए कि हार्ट हमारा यहाँ पे होता है और इसका उपचार यहीं पे दिया जा सकता है। जी हाँ, इसके बाद अगली कड़ी देखते हैं। हार्ट यदि आप बना लिए हैं, अगर नहीं बनाए तो वीडियो को रोकिए और बनाइए इसको आप पहले, और बनाने के बाद पूरा सही बन जाए तो एक बार मिलाइए इसको, मिला लेंगे तो आप फिर आगे बढ़िए। ये देखिए ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, ये दो लंग्स हैं, टू लंग्स देखिए, यहाँ जो राइट हमारा लंग्स है 1, 2, 3 पार्ट में, ये 2 पार्ट में है, और ये हमारा हार्ट का पार्ट है। साथ ही ओरिजिनल डायग्राम दिखाने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी इस तरह से है। शायद ऊपर वाले बनाने वाले सोचा नहीं होगा कि इंसान इस तरह से कोरस्पोंडेंस भी निकाल लेगा। जी हाँ, निश्चित तौर से मुस्कुराहट तो है चेहरे में, कुछ नया चीज आप सीख रहे हैं, नया चीज जानने के लिए यहाँ उत्सुकता आपके पास बनी हुई है। ये हमारे टू लंग्स है मित्रों। अस्थमा या फिर कफ कोल्ड लगी प्रॉब्लम तो ऐसे चुटकी बजा के हम लोग उसको ठीक करने में सामर्थ्य रखते हैं, आप भी सीख सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक पूरे के पूरे इस क्रम को देखिए। यदि समझ ना आए तो फिर से रिपीट कीजिए, फिर से बैकअप कीजिए, और बैक करके फिर रिवाइज करके पुनः फिर से इस एपिसोड को देखिए। यदि आप इसे देखते रहेंगे तो बार बार करेंगे तो निश्चित तौर से अभ्यास से आ जाएगा, और आप सीखकर दूसरों को भी सिखा सकते हैं साथियों। और ज़्यादा ही सीखना, अच्छी तरह सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न बनता है आपको जितना मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, उसका उत्तर हम देंगे आपको। कहीं भी कोई बात अगर समझ नहीं आती, या कोई प्रश्न अगर आपको बनता है कि साहब ये ऐसा यहाँ पे क्यों और कैसे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप उसका उत्तर हम आपको यहाँ से देंगे। तो थैंक यू, आज हमने केवल अपर बॉडी पार्ट अर्थात चेस्ट तक के भाग का हमने पूरी चर्चा की है। अगले कड़ी में इसके नीचे वाले पार्ट अर्थात
दो हाथ और दो पैरों के बारे में पहले बात कर लेंगे, फिर हमारे एब्डोमिनल एरिया के बारे में बात करेंगे। साथियों बहुत ध्यानपूर्वक आपने देखा, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए इसको लाइक शेयर और अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, इसको जन जन तक पहुंचे। नमस्कार, प्रणाम।